कि गैर भाजपा वोट बट जाए। उड़ीसा में कांग्रेस बीजू जनता दल के खिलाफ चुनाव लड़ रही है कि गैर भाजपा वोट बट जाए। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है कि गैर भाजपा। मान लीजिए आप अभी कांग्रेस से इतना नाराज है, ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जिसमें राहुल गांधी को लोग आगे करेंगे तो फिर जाएंगे सपोर्ट करने देश को बचाने के लिए? देखिए हमने तो स्पष्ट ये कहा है कि कोई भी गैर भाजपा सरकार बनती है और अगर वो हमारा जो चुनावी मुद्दा है, हम कह रहे हैं हमें दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य चाहिए, इन सारे नेताओं ने बहुत ठगा है, चीट किया है दिल्ली की जनता को, अगर कोई पूर्ण राज्य का दर्जा देता है सरकार, गैर भाजपा सरकार, हम उसे समर्थन देने पे पूरा विचार करेंगे। आप तो ऐसे थोड़े से बालक जैसे दिखते हैं, उधर विजेंदर बॉक्सर है तो ये बालक राघव चड्ढा विजेंदर के सामने क्या करेगा और बिदुड़ी साहब के साथ क्या करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अब देश की राजनीति उस कगार पे आ गई है कि बाहुबलियों से राजनीति नहीं चलने वाली। बाहुबली और गुंडे इस बार चुनाव हारेंगे, पढ़े लिखे ईमानदार लोग बॉक्सर हैं, प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, ओलंपियन हैं। अब वो साल में 11.5 महीने तो विदेश में रहते हैं, यूएस में रहते हैं और इंग्लैंड में रहते हैं। वो कहते हैं कि हम देश के लिए मेडल ला रहे हैं। हाँ तो मेडल ला रहे हैं तो मेडल लाएं, उनको रोक कौन रहा है। मैं उनका राजनीति में स्वागत करता हूँ, मैं वैसे वास्तव में दिल से उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि युवा को देश की राजनीति में आगे आना चाहिए। वो गलत पार्टी के सहारे आ रहे हैं। एक मैं देख रहा हूँ कि आपकी पार्टी का रंग बड़ी तेजी से बदल रहा है, ब्राउन कलर का भूरे रंग का बोर्ड लग रहा है, वो क्या हो गया? किसी ज्योतिष ने बताया कलर स्कीम बदली है? कलर स्कीम बदल दी है, कहीं पूरी पार्टी का स्कीम तो नहीं बदल गया? जैसे समय बदल रहा है ऐसे कलर स्कीम बदली है, क्योंकि पिछले चुनाव में सफेद बोर्ड था, अब वो भूरा हो गया। आप देख के डर लगता है कि आप पता नहीं अगले बार क्या हो जाने वाला। आपको कौन सा पसंद है? नहीं मुझे तो कोई रंग का, मैं तो सारे रंग पसंद है मुझे, लेकिन एक पार्टी को दो रंग क्यों चुनने पड़े? मतलब ये ब्राउन कलर वाला हमारी रंगीन पार्टी है, रंगीन पार्टी, सब 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 रंगों से मिलकर ये संगम होता है। हम संगम यार के बाहर पहुंचने वाले हैं और इस पार्टी में हर प्रकार का रंग है, शिव जी की बारात है तो हर रंग का सहारा हम लोग लेते हैं। ऑल द बेस्ट राघव, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। देखिए इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, देखिए विकास जा रहा है सर, विकास का तो पता ही नहीं पैदा कब हुआ है। सर इस पे तो चाइना लिखा हुआ है, इस पे भी चाइना लिखा हुआ है। अरे यार ये विकास लगता है चाइना से आया या चाइना जा रहा है? सर हम अगर चाइना का माल खरीदते हैं सरदार पटेल के ऊपर चल सकता है चाइना का माल।